खेलते खेलते इनकी फुटबॉल दूर चली जाती है, इसलिए एक बच्चा उस फुटबॉल को लाने के लिए जाता है और जैसे ही वो फुटबॉल उठाता है उसे वहाँ पर एक मगरमच्छ दिखाई देता है। सीन बदलता है और बाकी बच्चे भागकर लुहान नाम के एक आदमी के पास जाते हैं और लुहान को अपने साथ मगरमच्छ के पास ले आते हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि गांव वालों ने मगरमच्छ को तो मार दिया है और वो बच्चा भी फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है। लुहान उस मगरमच्छ को देखकर कहता है कि ये मगरमच्छ हेल आइलैंड से भाग कर आया है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं था क्योंकि लुहान एक नंबर का नशेड़ी था, लोग उसे पागल समझते थे। इसके बाद लुहान अपने घर जाता है जहाँ पर पहले से ही पेन नाम का एक आदमी उसके घर के अंदर मौजूद था। वो लुहान से कहता है कि तुम बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट हो, कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसी बेकार सी जगह पर यहाँ पर मिलोगे। जब यहाँ पर पेन की बॉस मिंजू आ जाती है और वो लुहान को बताती है कि मेरे भाई की शिप 3 दिन पहले एक तूफान में डूब गई और उसकी लास्ट लोकेशन हेल आइलैंड पर ही थी। यहाँ मिंजू लुहान को हेल आइलैंड चलकर अपने भाई को ढूंढने के लिए उनकी मदद करने को कहती है। इसके बदले वो लुहान को बहुत सारे पैसे का भी लालच देती है, लेकिन लुहान को पैसों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो किसी भी हालत में उस जगह पर नहीं जाना चाहता था। पैसों से काम नहीं बनता तो मिंजू इमोशनली लुहान को मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मेरा भाई भी एक बायोलॉजी स्टूडेंट है, सुना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी एक बायोलॉजी की स्टूडेंट थी जिसकी मौत एक रिसर्च के दौरान हुई थी। इतना कहकर मिंजू यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी ये बात लुहान के दिल को छू जाती है और वो इन लोगों के साथ हेल आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सभी मिंजू के प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल करके हेल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये आइलैंड इतना बड़ा था कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ मिंजू के भाई को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। थोड़ी दूर आगे चलकर ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मूवी की शुरुआत में मिंजू का भाई और उसके साथी मगरमच्छ के बीच में फंस गए थे। यहाँ चारों तरफ खून के धब्बे मौजूद थे, इधर उधर लोगों के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। मिंजू अपने आदमियों को इस जगह की अच्छे से छानबीन करने को कहती है। इस दौरान स्टीव नाम के एक आदमी को एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, तभी उनमें से एक आदमी को पास में ही गुफा दिखाई देती है। इसके बाद ये सभी लोग उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। अंदर के हालात काफी ज्यादा खराब थे, छवि एक आदमी की डेड बॉडी मिंजू के सामने आ जाती है। ये डेड बॉडी उन्हीं स्टूडेंट के ग्रुप में से एक लड़के की थी। यहाँ पर लुहान नोटिस करता है कि उस डेड बॉडी के फेस में से एक लीच यानी कि जोक बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर लुहान इन सबको तुरंत बाहर निकलने को कहता है। जब इनकी नजर एक चट्टान पर पड़ती है और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारी लीच मौजूद थी। इन्हें देखते ही स्टीव बिना कुछ सोचे समझे इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से लीच इन लोगों के ऊपर गिरने लगती है। यहाँ पर लुहान अपना जुगाड़ लगाता है और अपनी शराब को मुंह में भर के बड़े स्टाइल से मुंह से आग निकालकर लीच को दूर करता है। किसी तरह ये लोग उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर ये लोग देखते हैं कि मिंजू के हाथ में एक लीच घुस गई है। लुहान यहाँ पर मिंजू के हाथ को दबाकर लीच को कटे हुए हिस्से के पास ले आता है और फिर हेयर पिन की मदद से वो उसके हाथ के अंदर से लीच को बाहर निकाल देता है। इन छोटी सी लीच की वजह से इन लोगों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर लुहान की नजर उस मेगा क्रोकोडाइल के पंजों के निशान पर पड़ती है। ये निशान बहुत ही बड़ा था, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो मगरमच्छ बहुत ही बड़ा होगा। लुहान काफी हैरान था कि आखिर इस जगह पर इतना बड़ा मगरमच्छ आया कैसे। शायद जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इस मगरमच्छ का साइज इतना ज्यादा बड़ा हो गया होगा। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक से इनके ड्रोन से सिग्नल टूट जाता है क्योंकि किसी चीज से टकराने की वजह से वो ड्रोन टूट गया था। थोड़ी दूर आगे लुहान को एक पर्स मिलता है जिसमें मिंजू के भाई जिहाओ की फोटो थी। अपने भाई के पर्स को देखकर मिंजू को ये उम्मीद मिलती है कि शायद उसका भाई अभी जिंदा हो। जब इन्हें किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, जब ये लोग वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर एक आदमी मगरमच्छ के बीच में फंसा हुआ था। यहां पर ये लोग गोलियां चलाकर मगरमच्छ को भगा देते हैं और रस्सी से उस आदमी को ऊपर खींच लेते हैं। अब रात भी काफी हो गई थी, इसलिए रात गुजारने के लिए ये लोग वहीं पर अपना कैंप लगा लेते हैं और कैंप के आसपास आग जला देते हैं ताकि यहां पर मगरमच्छ ना आए। अब यहां पर लुहान और मिंजू आपस में बैठकर बातें करते हैं। लुहान उसे बताता है कि वो इस आइलैंड पर पहले भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिसर्च करने आ चुका है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बचा पाया और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर मारी गई। मिंजू भी उसे बताती है कि उसने शुरू से ही अपने फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ाया है। वो चाहती थी कि उसका भाई भी उनके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर ले, लेकिन उसका भाई फ्रीडम चाहता था, वो रिसर्च करना चाहता था, इसलिए हमेशा इनके बीच में लड़ाई होती आ रही थी। उसका इस दुनिया में उसके भाई के अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पर लुहान उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके भाई से उसे जरूर मिलवाएगा। अब उस आदमी को भी होश आ जाता है जिसे दिन में इन लोगों ने मगरमच्छ से बचाया था। मिंजू को लगता है कि ये आदमी उसके भाई के साथ यहाँ पर रिसर्च करने आया होगा, इसलिए वो उसे अपने भाई के बारे में पूछती है। वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई को, हम लोग कल रात को ही अलग हुए थे, वो लोग ईस्ट की तरफ गए थे, हमें भी उसी तरफ आगे चलना चाहिए। अगली सुबह उस आदमी के कहने पर ये लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर इन लोगों का सामना आदमखोर पौधों से होता है, जिनकी बेल इनमें से एक आदमी को जकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। यहाँ पर लुहान अपनी चालाकी और फुर्ती से इन पौधों से बचकर उन्हें काट डालता है और उस आदमी को बचा लेता है। जब लुहान इन पौधों को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये पौधे तो सिर्फ अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं, तो आखिर ये पौधे यहाँ पर कैसे उग गए। जब पेन को यहाँ पर एक आदमी का कटा हुआ सर मिलता है, जब बाकी लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन ये डेड बॉडी उन बायोलॉजी स्टूडेंट की नहीं थी। फिर ये लोग कौन थे और यहाँ पर कैसे आए, ऐसे कई सारे सवाल इन लोगों के दिमाग में आ रहे थे। आगे चलकर ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक एलिवेटर था, यानी कि ये कोई खुफिया जगह थी जहाँ पर जाने का रास्ता इस एलिवेटर से होकर गुजरता है। अब इनमें से तीन लोग बाहर ही रुकते हैं और बाकी तीन लोग अंदर मिंजू के भाई जिहाओ को ढूंढने जाते हैं। देखने में ये जगह कोई एक्सपेरिमेंटल बेस लग रही थी, यहाँ पर मगरमच्छ भी थे जिनसे बचकर ये लोग जिहाओ को ढूंढने जाते हैं। जब इन्हें कहीं से हेल्प मांगने की आवाज सुनाई देती है, जब ये लोग उस जगह पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक औरत थी। जैसे ही वो उस औरत को पलट कर देखते हैं, वो औरत तो मरी हुई थी और उसके शरीर में बहुत सारे एलिफेंट बग्स निकलते हैं जो इंसानों की आवाज कॉपी कर लेते हैं और बिल्कुल वैसे ही आवाज निकाल सकते हैं। तभी वो बग्स उस आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं। अब वो आदमी बाकी लोगों की जान बचाने के लिए सबको यहाँ से भगाकर अपने पास ग्रेनेड फोड़ देता है। दूसरी तरफ धमाके की आवाज सुनकर इन लोगों के पास वो जॉइंट क्रोकोडाइल आ जाता है और इनमें से एक आदमी को खा जाता है। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए मगरमच्छ के ऊपर गोलियों की बौछार करते हुए यहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं। दूसरी तरफ बेस में ये दोनों फिर से जिहाओ को ढूंढते हुए एक्सपेरिमेंटल बेस के मेन रूम में पहुंच जाते हैं। लुहान जिहाओ को ढूंढने के लिए दूसरे फ्लोर पर चला जाता है। लिवक्यू को यहाँ पर एक कैमरा मिलता है जिसमें एक साइंटिस्ट बताती है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके गलती से एक ऐसा दानव जैसा मगरमच्छ बना दिया है जो यहाँ के सभी साइंटिस्ट को मारकर खा जाता है। इसके बाद लिवक्यू
वहाँ के सिस्टम के डाटा को कॉपी करने लगता है। और जैसे ही वो डाटा पूरी तरह से कॉपी हो जाता है, जब यहाँ पर लुहान भी आ जाता है और लिवक्यू से पूछता है कि सच सच बताओ तुम कौन हो। लिवक्यू घबरा जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरी जान बचाई थी। यहाँ पर लुहान उसे इसी लैब की एक फोटो दिखाता है जिसमें लिवक्यू एक साइंटिस्ट के साथ था। अब क्योंकि लिवक्यू का भांडा फूट गया था, इसलिए वो लुहान को बताता है कि दरअसल मैं इस एक्सपेरिमेंटल बेस का इन्वेस्टर था। मैं चाहता था कि मेरे इस एक्सपेरिमेंट से लोगों का भला हो। हम इस एक्सपेरिमेंट के जरिए मगरमच्छ के इम्यून सिस्टम से एक ऐसी दवाई बनाना चाहते थे जिसके जरिए कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज किया जा सकता था। हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, लेकिन हम इस बड़े से मेगा क्रोकोडाइल को काबू नहीं कर पाए और उसने यहाँ के सभी साइंटिस्ट को मारकर इस जगह को तहस नहस कर दिया। तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम इस मगरमच्छ का खून निकाल कर अपने इस फॉर्मूले के जरिए दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। लुहान कहता है कि तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान गई और इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ अमीरों को ही फायदा होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सरेंडर कर दो। लेकिन लिवक्यू मौका पाकर लुहान से लड़ने लगता है और वो उसे ट्रैंकुलाइजर से शूट कर देता है जिसकी वजह से लुहान बेहोश हो जाता है। इधर ये तीनों अपनी जान बचाकर उस मेगा क्रोकोडाइल से बचने के लिए एक ढलान के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन यहाँ पर मौत को अपने सामने देखकर स्टीव मतलब ही हो जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए पेन के पैरों पर गोली मारकर यहाँ से भाग जाता है। क्रोकोडाइल मिंजू और पेन को खाने के लिए उनकी तरफ पड़ता है, लेकिन तभी एन मौके पर क्रोकोडाइल के सामने कोई स्मोक फैला देता है जिसकी वजह से क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है। इन लोगों की जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि मिंजू का भाई जिहाओ था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लिवक्यू भी आ जाता है और इनके ऊपर गन पॉइंट करके इन तीनों को बंदी बनाकर एक जाल में बांधकर लटका देता है। वो इन लोगों को उस बड़े से क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जॉइंट क्रोकोडाइल आ जाता है और जाल में बैठे इन तीनों लोगों को खाने की कोशिश करता है। सही मौका पाकर लिवक्यू उस क्रोकोडाइल के ऊपर ट्रैंकुलाइजर से कई बार शूट करता है जिसकी वजह से वो जॉइंट क्रोकोडाइल बेहोश हो जाता है। लिवक्यू अब इन तीनों को नीचे उतार देता है और उस मगरमच्छ के पास जाकर उसके शरीर से ब्लड निकालने लगता है, लेकिन तभी मगरमच्छ को होश आ जाता है और वो लिवक्यू को झटके से दूर लकड़ी पर फेंक देता है। लिवक्यू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब ये जॉइंट क्रोकोडाइल बाकी लोगों को अपना खाना बनाने के लिए आगे बढ़ता है कि जब यहाँ पर लुहान आ जाता है और वो अपनी तूफान वाली गन से मेगा क्रोकोडाइल को शूट करने लगता है, लेकिन मगरमच्छ के ऊपर तो उसका कोई असर ही नहीं होता। वो मिंजू को लेकर पानी में चला जाता है। उसका भाई जिहाओ अपनी बहन को बचाने के लिए पानी में जाता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग उसे पानी में जाने से रोक लेते हैं और उसे समझाते हैं कि ऐसे तो तुम भी मर जाओगे। इधर जब मिंजू को होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा में पाती है जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। इन लाशों में स्टीव की भी लाश पड़ी हुई थी। मिंजू उसकी लाश से उसके ईयरबड्स निकालकर इन लोगों को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है। जब यहाँ पर वो बड़ा सा मगरमच्छ आ जाता है जिसे देखकर मिंजू फटाफट मरने का नाटक करने लगती है। मगरमच्छ के दूर जाने के बाद वो अपने भाई से कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो यहाँ से नहीं बच पाएगी। वो लुहान से अपने भाई को यहाँ से बचाकर ले जाने की रिक्वेस्ट करती है। लुहान अपनी गर्लफ्रेंड की जान तो इस आइलैंड पर नहीं बचा पाया था, लेकिन वो मिंजू को किसी भी हालत में बचाना चाहता था। यहाँ लुहान मिंजू की लोकेशन का अंदाजा लगा लेता है और फिर वो एक प्लान बनाता है। इसके बाद ये सभी वापस उस एक्सपेरिमेंटल बेस में जाकर वहाँ से हथियार इकट्ठा करते हैं। यहाँ इन्हें कुछ गैसोलीन के बड़े बड़े ड्रम्स भी मिलते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ की सबसे नजदीकी गुफा को ढूंढने लगते हैं और जल्द ही इन्हें एक पास की गुफा मिल भी जाती है। लेकिन पेन काफी डरा हुआ था, इसलिए वो गुफा के अंदर नहीं जाना चाहता था। अब वो गुफा के बाहर ही रुक जाता है और जिहाओ और लुहान गुफा के अंदर जाते हैं। लुहान चिल्ला चिल्लाकर मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर खींचता है और जैसे ही मगरमच्छ लुहान की तरफ भागता है, पीछे से जिहाओ अपनी बहन मिंजू को लेकर बाहर आ जाता है। अब ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। ये लोग बोट में बैठकर यहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं कि जब वो मेगा क्रोकोडाइल ऊपर से कूदकर पानी में आ जाता है और जैसे ही वो इनकी बोट पर हमला करता है, ये लोग बोट से कूद जाते हैं और वो मगरमच्छ बोट के दो टुकड़े कर देता है। फिर इन लोगों के साथ साथ मगरमच्छ भी पानी के बाहर आ जाता है। लुहान अब क्रोकोडाइल के सामने फंस जाता है, जब भी एन मौके पर पेन यहाँ पर आकर अपनी फ्लेयर गन से क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करने लगता है और मौका पाकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये चारों उसी जगह पर भाग कर जाते हैं जहाँ पर इन्होंने पहले से ही गैसोलीन के वो बड़े बड़े ड्रम्स रखे थे जो इन्हें एक्सपेरिमेंटल बेस में मिले थे। जैसे ही वो मेगा क्रोकोडाइल इन लोगों का पीछा करते करते इन्हें खाने के लिए इनके ऊपर कूदता है, ये लोग साइड हट जाते हैं और वो मगरमच्छ इन गैसोलीन के डब्बों के साथ नीचे गिरने लगता है। जैसे वो नीचे गिरता है, लुहान ग्रेनेड निकालता है और उसे नीचे गैसोलीन के पास फेंक देता है जिसकी वजह से ग्रेनेड के साथ गैसोलीन के वो डब्बे फट जाते हैं और एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है जिसमें वो मेगा क्रोकोडाइल भी